हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कैमरन हाइलैंड। कैमरन हाइलैंड एक ऐसी जगह है मलेशिया में, इस तरह के अपने पाकिस्तान में मरी है, इंडिया में जो है मनाली है, उस तरह ही मलेशिया में एक जगह है कैमरन हाइलैंड। तो अभी हम हैं इधर वजीद की तरफ और अब हम जाने वाले हैं क्लैंग सेंट्रल। क्लैंग सेंट्रल से हमें पकड़नी है बस, और क्लैंग सेंट्रल से हमें पकड़नी है बस, और बस पकड़ के हमने जाना है ईपो। हमारा फर्स्ट स्टॉप उधर है, ईपो से हम जाएंगे आज। तो गाइस, अभी इधर टाइम हो रहा है 6:30 इधर के, यहाँ के सुबह के। तो गाइस, अभी इधर सुबह हो चुकी है, अभी इधर डार्क है। भाई, इधर गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं इधर से क्लैंग सेंट्रल। गाइस, अभी हम इधर निकल ही रहे थे क्लैंग सेंट्रल के लिए और अभी इधर जो है बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। बस अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 8 बजे और हमारी टाइमिंग है बस की 9 बजे, इधर से बस निकलेगी। तो उससे पहले हम चलते हैं इधर रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में जाके हम खाना वगैरह पहले खा लें। तो गाइस, अभी हम इधर जा रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। तो बाहर जाके आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट। ये वो रेस्टोरेंट है जो कि बस स्टॉप के आगे है। तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और देखते हैं क्या क्या है खाने के अंदर। तो अभी हमारा इधर खाना आ चुका है और सदीद ने ऑर्डर करा है इधर रोटी चनाई, और ये है नासी लेमक जो कि मलेशिया का मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल फूड है। और इसके साथ साथ वदीद ने ऑर्डर किया है मैंगो जूस और मैंने नेस्कैफे, और सदीद ने किया है सिरप बंदों जो कि रोज और मिल्क का जो बना होता है। तो फाइनली इधर हमारी बस आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं बस के अंदर। तो कुछ ऐसा बस का अंदर से इंटरफेस है। सो गाइज, हम यहाँ पर ब्रेक ले रुके हैं। आफ्टर काफ़ी देर के अंदर हम बस में बैठे हुए थे, उन्होंने हमें यहाँ पर बस स्टॉप किया ताकि लोग थोड़े इधर हिल उल लें, बैठ बैठ के लोग भी थक गए ना, तो इसलिए ये चेक करें बैकग्राउंड। ये एरिया जहाँ पे हम स्टॉप हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 घंटे का सफ़र पड़ा हुआ है। 2 hours later. अभी हम इधर अपने फर्स्ट स्टॉप पर पहुंच चुके हैं ईपो में। तो हमें ऑलमोस्ट जो है 5 घंटे लगे क्योंकि हमारा जो एस्टिमेटेड रूट था वो 3 घंटे का था, लेकिन जैम भी था और बस जो है बीच बीच में रुकते भी रही थी काफ़ी स्टॉप्स पे, तो इसलिए हमें ऑलमोस्ट 5 घंटे लगे। ये है ईपो की बस का टिकट काउंटर और इधर से आप कैमरन हाइलैंड की टिकट ले सकते हैं। तो इधर से हमने अभी कैमरन हाइलैंड की टिकट बुक कर ली है। वेट, इधर 2 बज रहे हैं, हमें इधर 3 बजे बस पकड़नी है। तो जैसे बस आती है फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ बस में बैठ चुके हैं कैमरन हाइलैंड, जाएंगे सीधा कैमरन हाइलैंड क्योंकि अभी हम ईपो में, और यहाँ से तकरीबन 2 घंटे लगेंगे हमारे ड्राइव पे, और वहाँ जाके आपको मिलते हैं जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है। फाइनली हम उस पर जाने लगे, तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ जाकर आपको मिलते हैं। गाना बजाओ। Oh,
तो ये हमारी बस है और हम इधर कैमरन हाइलैंड के ऊपर उतर चुके हैं। तो ये इधर बस का स्टॉप है और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल, तो होटल जाके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह का कुछ कैमरन हाइलैंड का व्यू है। सबसे ये टॉप पर हम आए हैं ऊपर, तो इधर काफ़ी सर्दी है। होटल, इसमें हम आ चुके हैं, तो अभी अंदर चलते हैं। सो गाइस, अभी हमने ले ली अपने पेमेंट वगैरह कर दी है, ठीक है, आ रहे हैं अपने रूम में। हमें उन्होंने दे दिया रूम नंबर, हमारा रूम नंबर है 201 सेकंड फ्लोर पर। तो अभी हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। लेट्स सी के क्या क्या होटल मिलती है, क्योंकि ये होटल को बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा ही होटल है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी। तो ये है हमारा रूम, ये हमारा कुछ रूम छोटा है क्योंकि हमें सिर्फ तीन लोगों को सोने का जगह मिल जाए, इट दैट गोइंग टू बी इनफ फॉर अस। एंड ये लॉबी है। सो गाइस, अभी जो है हमने होटल में चेक इन कर लिया और अपना सामान वगैरह रख लिया, तो अभी हम जाते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस नई सिटी को। सबसे पहले हम खाना खाने जाएंगे, देन फिर हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर अभी हम मार्केट वगैरह घूम रहे हैं रात को, और चलिए आपके साथ घूमते हैं हम भी। बेकरी है ये, यहाँ पर भी हमें रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पर हमने एक टिक्का रोटी के साथ नान ऑर्डर किए, तो अभी हम यहाँ पर बैठ के खाने लगे। तो अभी पहले वेट करते हैं, देन आते हैं फिर हम खाते हैं। सो गाइस, अभी खाना वगैरह खा लिया और अभी हमने यहाँ नोटिस किया कि यहाँ पास में मालम लगा हुआ है, मतलब जो बाज़ार लगा है रात का बाज़ार। तो अभी यहाँ चलते हैं, देखते हैं, और ये हमारी फिर लास्ट होगी आज की। इसके बाद हम जाएँगे घूम के फिर एक बार होटल सोने, और सुबह मीन्स नेक्स्ट व्लॉग लाजमी देखिए, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं कल। और अभी यहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 हो गया, 15, और ये जो सर्दी बढ़ रही है, लेकिन नॉर्मल अगर हम मलेशिया में रहते हैं तो आपको टेम्परेचर जो फेस करना पड़ता है वो होता है 27, 26, 25, 28, 30, इस तरह का टेम्परेचर होता है, और अभी यहाँ पर 15, तो सही कूल है। अभी हमें इधर देखिए फूड स्टॉप, तो जिससे आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम है। और इधर कैमरन हाइलैंड में सबसे फेमस चीज़ जो है इधर की स्ट्रॉबेरीज, इधर फ्रूट्स वगैरह, सारे फ्रूट्स वगैरह जो है यहीं पे फ्रूट्स बनते हैं। और आगे हमारे नेक्स्ट स्टेट्स में जाते हैं और अदर मलेशिया के स्टेट्स में और अदर कंट्रीज में काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं जो इधर ही बनाए जाते हैं खुद। आज का दिन इधर ही एंड करते हैं, कल के लोग में, तब तक के लिए गुड बाय।